जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पार्कम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जीके 2020 भाग 31 के अंतर्गत मिलकर के 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल है, एमएसपी की कितनी फसलों के लिए जारी होती है। तो एमएसपी को पहले जानेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार एक जिम्मेदारी लेती है कि आप अधिक से अधिक उत्पादन करिए, अगर आपको मार्केट में कम दाम मिलता है तो हम एक निश्चित दाम पर आपके सामान को खरीदेंगे। यह जिम्मेदारी सरकार देती है जिससे किसान अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करें, तो इसी को कहा जाता है। सरकार एक मूल्य तय करती है कि जैसे धान है, गेहूं है, इसकी खरीदारी अगर कम दाम पर हो रही है तो हम इतना निर्धारित करेंगे, उस दाम पर सरकारी गोदामों में आपका अनाज किसानों का खरीदा जाएगा, इसे कहा जाता है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? तो यह सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिश पर यह लागू किया जाता है। अब आते हैं एमएसपी, समझ गए किसकी सिफारिश पर, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के सिफारिश पर यह लागू की जाती है। अब कितनी फसलों के लिए लागू की जाती है? तो शुरू में यह 23 फसलों के लिए लागू की जाती थी, और अभी भी कुछ किताब में 23 फसलों के लिए मिलता है, लेकिन कुछ बुक इसे दो और फसल इसमें शामिल कर दिया गया है, तो 23 और दो कितना हो गया? 25। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, एक ऑथेंटिक स्रोत के अनुसार जो हो वही मानिएगा। शुरू में 23 फसलों के लिए था, लेकिन कुछ स्रोत दिखाते हैं कि वर्तमान में दो फसल और शामिल कर लिया गया है, तो ये 25 फसलों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना कब की गई? तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में की गई। कब की गई? 1998 में की गई। नीका पुनाचा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो नीका पुनाचा खिलाड़ी टेनिस खेल से संबंधित हैं। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ओके, आगे विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट हर वर्ष विश्व बैंक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ठीक है, जिसका पूर्व नाम क्या था विश्व बैंक का? तो IBRD। ओके, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिणी ध्रुव पर जो भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं या जो भारतीय अभियान दल गए दक्षिण ध्रुव पर, वो कौन कौन हैं? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये दक्षिणी ध्रुव पर, और उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री। ओके, गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गाइड पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण। साथ ही इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है मालगुड़ी डेज। तो गाइड पुस्तक के लेखक और मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। ओके, आगा खां महल कहाँ है? तो आगा खां महल महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। आगा खां महल महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, पिन सोंग दर्रा कहाँ है? तो पिन सोंग दर्रा असम में है। यह असम को म्यांमार से जोड़ता है। असम को कहाँ से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पिन सोंग दर्रा। ओके,
तेरह ताली नृत्य, देखिए इसे तेरह ताली कहते हैं या तेर ताली या तेरह ताली, दोनों लिखा मिलता है, तो दोनों आप कंफ्यूज मत होइएगा। तेर ताली या तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान। तो तेरह ताली, घूमर, कालबेलिया, ये तीनों कहाँ के हैं? राजस्थान के। ओके, तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। किस देश के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ओके, अब आगे देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। ओके, कुंचिकल जलप्रपात सरावती नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में सरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला, वैदिक काल में अरण्यानी देवी थी। तो वैदिक काल में अरण्यानी जंगल की देवी को कहा जाता था। वैदिक काल में अरण्यानी जंगल की देवी को कहा जाता था। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। दूसरे नंबर पर अग्नि। और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति थे, ये भी याद रखिएगा। नुगुल्ट्रम मुद्रा किस देश की है? तो नुगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा टका। जापान की मुद्रा येन। चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनबी। चीन की मुद्रा क्या है? युआन, रेनमिनबी। नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो रुपया। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका का श्रीलंकन रुपया और नेपाल का नेपाली रुपया। ओके, इंडोनेशिया की मुद्रा, तो इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। मॉरिशस की मुद्रा रुपया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। मोटसे नृत्य किस राज्य का है? मोटसे नृत्य नागालैंड का है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ओके, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो। तो मोडसे लोक नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। चेरोकान नृत्य किस राज्य का है? चेरोकान नृत्य मिजोरम का है। चेरोकान नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। ब्रेटन वुड्स समझौते से किस चीज़ का निर्माण हुआ, किस संस्था का निर्माण हुआ? तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ और इस समझौते के बाद, इस सम्मेलन के बाद विश्व में दो संस्थाओं का उदय हुआ। पहला IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और दूसरा विश्व बैंक। उस समय विश्व बैंक का उस समय नाम था IBRD। यह कई संस्थाओं का समूह है जिसे विश्व बैंक के रूप में बुलाते हैं। तो विश्व बैंक और IMF का गठन हुआ किस समझौते से? तो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से। कब गठन हुआ? 1945 में। ठीक है, आगे, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जैलिक अम्ल। और ऑक्जैलिक अम्ल जो होता है ये कपड़े के दाग को कम करता है, कपड़े के दाग को मिटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, मूक नायक रचना किसकी है? तो मूक नायक रचना भीमराव अंबेडकर की है। मूक नायक नाम से अखबार छापते थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। ओके, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अंबेडकर। कौन थे? B.R. अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। ठीक है, आगे, मांस भक्षियों में सबसे सक्रिय दांत कौन होता है? तो मांस भक्षियों में सबसे सक्रिय दांत केनाइन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं रदनक। ये किनारे लंबे लंबे दांत होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? मांस को फाड़ने का काम करते हैं, जिससे वो मांस में धंसा करके क्या करते हैं? फाड़ने का काम करते हैं। तो मांस भक्षियों में देखेंगे यहाँ किनारे लंबे लंबे दांत होते हैं, सामने से थोड़ा साइड में, और उसे ही कहते हैं केनाइन या रदनक। यह सबसे सक्रिय दांत होते हैं।
सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। अम्ल राज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मित्रों, ये जीके 2020 भाग 31 के अंतर्गत हम लोग निम्न प्रश्नों पर मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।